गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, बाढ़ पीड़ितों को 64 लाख रुपए की सहायता राशि दी, साथ ही दतिया और बसई में एक्सीलेंस स्कूल शुरू करने की बात कही। दतिया कलेक्ट्रेट में नवीन मीटिंग हॉल के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शासकीय सेवा के दौरान हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें जो सेवा का अवसर मिला है उसका अधिक से अधिक लाभ समाज को मिले। सरकार की योजनाओं से अधिकतम लोगों को लाभान्वित कर समाज के विकास पे हम सहभागी बने। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया और बसई में एक्सीलेंस स्कूल भी खोले जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने नवीन मीटिंग हॉल के लोकार्पण अवसर पर तहसील दतिया के 67 बाढ़ प्रभावितों के खातों में 63,71,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण अंतर्गत जिले के 35 पीड़ितों के खातों में 17 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिले का चहुमुखी विकास हो रहा है, दतिया को शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। दतिया में मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल स्कूल शुरू होने के बाद अब वेटरनरी, फिशरीज तथा पुलिस ट्रेडिंग स्कूल आदि की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर आशा राम अहिरवार, सुरेंद्र बुधोलिया, योगेश सक्सेना, नाहर सिंह रावत, रश्मि कटारे आदि उपस्थित रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला चिकित्सालय दतिया में 1 करोड़ की लागत से निर्मित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि दतिया अब मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। आप सबकी मेहनत, पूरी टीम एसपी साहब, कलेक्टर साहब दोनों की, उस टीम का अंग हुआ। डेमोक्रेटिक व्यवस्था ऐसी है, तो पूरी टीम के मेहनत के परिणाम है कि आज ऐसे हॉल में हम बैठे। आज इसको देख के मैं सोच रहा था कि कभी जब मैं 90 में जीत के फिर 92 में फिर यहां आ गया 2003 में, मैंने खुद ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम इतना अच्छा आधुनिक दतिया को बना लेंगे, इतनी अच्छी कलेक्ट्रेट बना लेंगे, कितना अच्छा न्यायालय बना लेंगे, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह इत्यादि में कहां तक गिना हुआ। एक मन में सुकून तो मिलता ही है, अच्छा तो लगता ही है। लगातार आप सब लोग मेहनत करते हो, उसी का परिणाम सामने है। जिन्हें कामयाबी में सुकून नजर आता है वो दौड़ते जाते हैं, वो जो सुकून में कामयाबी समझते हैं वो ठहर जाते हैं। और इसलिए अपन को अवसर है, एक सब अधिकारियों को, हम कोशिश भी करते हैं कि हमारी ओर से कोई आपको दिक्कत ना आए, फिर भी हम सार्वजनिक जीवन में हम लोग काम करते हैं, इसलिए गाहे गवाहे हमको आपकी इच्छा के विपरीत भी और अपनी इच्छा के विपरीत कई बार कुछ कहना पड़ता है, और उसका माध्यम यह कि हम बाद में बात करके परस्पर उसका हल भी निकालें। आपकी एक सीमा है, आपकी एक बाउंड्री है, आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। उस बाउंड्री के अंदर ही जो संवैधानिक मर्यादा है आपकी हमारी, हम सबको उस बाउंड्री में रह के अपना खेल खेलना, हमारा प्रदर्शन बेहतर हो इस बात की हमें चिंता भी करना है। अभी दतिया में बहुत कुछ होना बाकी है, सहयोग से नगर पालिका के प्रशासक भी कलेक्टर साहब ही हैं, और इसलिए अभी नगर की दृष्टि से एक बार ये जो पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किए। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।